वो क्या कह रहा है? रोबर्ट जोन्स। Robert Jones. सभी सिस्टम तैयार है। Good morning, Dad Unit. Good morning. Good morning, Mom Unit. Good morning, Beta Robo. मैं अपने हर रोज के प्रोग्राम के लिए तैयार हूँ, बस हुक्म कीजिए। आज तुम स्कूल जाकर बच्चों के बीच रहकर कुछ बातें सीखोगे। तुम जिस मकसद से बनाए गए हो उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जाओ और सीखो, बच्चों के साथ रहकर कुछ जानो। पर मॉम यूनिट, इंसान किसी काम के नहीं होते। तुमने ठीक कहा, इंसान अयोग्य होते हैं, पर तुम्हारे डैम को उनकी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा। नहीं, मैं आपका हुक्म नहीं मानूंगा। पर रोबो सुनो, स्कूल बस आ चुकी है, तुम्हें जाना ही होगा मेरे बेटे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जूनियर हाई स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल जाओ। इंसानों के साथ घुल मिल कर रहना। कैसी हो स्कूल बस? मैं इंसानों के बारे में जानने को तैयार हूँ। फिर सुनो, मैं इंसानों के बारे में। सुनो बच्चे। मैं सुन रहा हूँ, आगे बोलिए। बच्चे मैं यहाँ हूँ। हाँ, तुम बस से बातें करने के बजाय इसमें बैठ क्यों नहीं जाते? माफ करना, गलती हो गई। तुम में से कोई सवाल नंबर 16 का जवाब जानता है? नए बच्चे के अलावा और कोई जानता है? हाँ मिस्टर रोबो जोन्स, तुम सवाल नंबर 16 का जवाब जानते हो? इसका सही जवाब है 48। हाँ, शुक्रिया रोबो। बच्चों, अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं 76। क्या कहा? इसका जवाब 76 है। आपके ये गणित के सवाल मेरे सुपर कंप्यूटर दिमाग के सामने बहुत मामूली है। क्या आपके पास कोई मुश्किल सवाल नहीं है? वाह, इसने तो सर की छुट्टी कर दी। रोबोट, तुम यहाँ? तो तुम क्लास में जोकर बनना चाहते हो? हाँ, वैसे तुम जैसे जोकरों के लिए भी हमारे स्कूल में जगह है, और वो जगह है प्रिंसिपल का ऑफिस। जाओ यहाँ से। ओप्स, लगता है सर मुझसे नाराज है। वाह वाह वाह, मिस्टर जोन्स, लाजवाब रोबो मेरे ऑफिस में फिर से। बात तो यह है कि ये कंप्यूटर, ये तकनीक मेरे बस के बाहर है। गियर, सर्किट, माइक्रोचिप, सब बकवास है। इसलिए कान खोल कर सुनो कंप्यूटर रोबो, जो भी करो सावधानी से करो। तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हें स्कूल के बाद रुकना होगा, यही सजा है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें बकवास। मेरे स्कूल में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। हे, जरा
देखो दोस्तों, ये रोबोट कहाँ से खाना खाता है। रोबोजोस, सुनो, तुमने गलत इंसान से टक्कर ली है बच्चे। तुम 3 महीनों तक स्कूल में रुकोगे। स्कूल छूटने के बाद तुम मेरे साथ रुकोगे। तुम्हें तमीज सिखाना जरूरी है। ये क्या हो रहा है? ओह, मैंने क्या कहा? मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो रोबो, सजा वापस लेता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ पागल रोबो। इंसानों के साथ सिर्फ 1 दिन रहा और अपने सारे सर्किट जला दिए। पता नहीं रोज रोज तुम इन्हें कैसे झेलते हो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। इंसान ना समझ बिल्कुल बेकार होते हैं और इनकी बातें भी अजीब होती हैं। मैं इसी नतीजे पर आया हूँ कि जब तक काम कर रहा हूँ इन इंसानों के साथ कभी नहीं रहूँगा। माफ कीजिए, आप हटेंगे, मुझे सोडा लेना है। क्या बात है, इंसान में ऐसा तेज दिमाग, इतनी सुंदर और अनोखी बनावट। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप छोड़ो, हैरान मत हो। डेटा लॉग एंट्री। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को जानने का आज मेरा पहला दिन था। इनके साथ रहकर इस नतीजे पर आया हूँ कि इंसान गुस्से, चिड़चिड़ा और अपने पर काबू नहीं रखने वालों में से है। पर जो लड़की मुझे मिली थी वो इनसे काफी अलग थी। फाइनल एनालिसिस यही है कि इन्हें और जानने समझने की जरूरत है। जरूरत हो गया है। रोबोट जोन्स। गुड मॉर्निंग इंसानों। बोलता है स्टूपिड। इंसान मतलब ही खुदगर। गुड मॉर्निंग बेटा रोबो, तुम्हारा आज का इम्तिहान है इंसानी रिश्तों को पहचानना या यूं कहूं दोस्ती करना। पर मॉम यूनिट, इंसान मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। गलत रोबो, तुम्हें दोस्त बनाने ही होंगे। नहीं बनाता। मम्मी की बात मानो, मम्मी की बात मानो, मम्मी की बात मानो, मम्मी की बात मानो। रोबो, तुम्हें ये काम करना ही होगा। जी मम्मी। आज का मकसद है इंसानों से दोस्ती करना। इन लड़कों से दोस्ती की जा सकती है। अच्छा खेलते हैं। मेरे लिए जरा मुश्किल है। शायद लड़कियों से दोस्ती करना बेहतर होगा। ये भी नहीं, ये भी मुश्किल है। शायद रोबो और इंसानों का कोई तालमेल नहीं। ये क्या है? वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम। याहू! वाह! वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम, वीडियो गेम। ये कौन है? हे, देखो, ये तो वही रोबो है। कैसे हो इंसानों? हम अच्छे हैं, तुम सुनाओ, मंकी किंग खेलना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा इंसानों, पर एक बात सुन लो, मंकी कॉन्ग जूनियर वीडियो मशीन मेरे अंकल है। रोबो, पीछे देखो, वो है योगमैन भाई। हम दोनों योगमैन भाई तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। भाग जाओ यहाँ से।
हेलो मेरे दोस्त, तुमने इन इंसानों को क्यों भगाया? ये तो बस तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, ये बच्चे तो ना समझ है, इनके पास दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं है। मैंने और मेरे भाई ने घंटों पढ़ाई करके दोस्ती के इक्वेशन को जाना है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम तुम्हारी दोस्ती के काबिल हैं। देखा, ये तो गणित ने भी साबित कर दिया है। वाह, गणित के बलबूते पर दोस्ती। अच्छा, तब तुम दोनों दोस्ती में माहिर होंगे। वो तो हम हैं ही। मेरा कंप्यूटर कहता है कि मुझे दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है रोबोट, ये रहा तुम्हारा दोस्ती का पहला सबक, एक दूसरे की मदद करना। मेरे भाई डैनी ने कुछ फ्लॉपी डिस्क उस कमरे में छोड़ दिए हैं। बस छोटी सी परेशानी है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्सरे स्कैनर है तो हम उसके जरिए देख सकते हैं कि फ्लॉपीज अंदर हैं या नहीं। तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी दोस्त। शुक्रिया रोबोट। वाह। हे डैनी, मुझे भी देखने दो। नहीं, ये मेरा आइडिया था, तुम हट जाओ यहाँ से। मेरा था, मेरा था, मेरा था, हाँ मेरा था। एक्सरे स्कैन पे कोई डिस्क नजर नहीं आ रही, जरा अंदर जाकर देखता हूँ। अंदर जाकर देखोगे? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है दोस्त, तुम्हें तो अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है ठीक है, अभी जाता हूँ। हेलो रोबो, तुमने लड़कियों के कमरे में जाने का गुनाह किया है, तुम्हारी यही सजा है। क्यों दोस्त, कैसा रहा? हाँ, बहुत बुरा, मुझे 5 सालों तक स्कूल में रुकने की सजा मिली है। ओह, ये तो वाकई बुरा हुआ, पर फिक्र मत करो दोस्त, दोस्ती का दूसरा उसूल है एक दूसरे को हंसाना। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तो ये लो रोबोट, सोडा पियो और खूब हंसो। शुक्रिया दोस्त। कितनी बुरी बात है। हाँ, योगमैन भाई इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी मदद करते हैं। हाँ चलो, ये लो दोस्त। बस करो दोस्तों। शुक्रिया। hey, वो हमारे रोबोट से दोस्ती कर रहे हैं। हाँ, वो सारा खेल बिगाड़ देंगे। अब वक्त आ गया हमारे मकसद को अंजाम देने का, फिर रोबोट का दिमाग हमारा होगा। दोस्त, तुम तो बहुत ही अच्छा ब्रेक डांस करते हो। हटो, छोड़ो हमारे दोस्त रोबोट को। रोबोट, अब वक्त आ गया है तुम्हें दोस्ती का सबसे अहम उसूल सिखाने का। देखो, मेरे पास एक पेंसिल है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वाह शुक्रिया, क्या बात है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ओ, अब इसका मतलब है कि तुम्हें भी मुझे कोई चीज देनी होगी, तुम्हारा दिमाग। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लो दोस्त। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ऐ, दफा हो जाओ यहाँ से। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, दोस्ती करने के लिए हमारे पास हमारा रोबोट है। ये देखो। मिलो हमारे शक्तिशाली रोबोट दोस्त से, इसकी मदद से हम स्कूल पर राज करेंगे। योगबोट एक्स। दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कितने बुरे हो तुम, बेकार हो, तुम्हारे दिमाग के बिना तुम किसी काम के नहीं हो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। देखो दोस्तों, रोबो की लड़ाई। लड़ो, 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 लड़ो।
बकल, तुमने क्या सोचा था कि हम एक बदसूरत बददिमाग बदतमीज लोहे के डिब्बे से दोस्ती करेंगे? मैं इस मकसद में नाकाम हुआ। मैंने अपने अभी तक के अनुभव से यही जाना है, यही नतीजा निकाला है कि मैं इंसानों से कभी दोस्ती नहीं करूंगा। क्या हुआ रोबोट? हम कुछ मदद करें दोस्त? दिमाग नहीं है, लड़ नहीं सकता। अरे वाह, आगे बढ़ो रोबोट, हमला करो। शाबाश, कुछ तो करो तुम। कर तो रहा हूँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओह, तुमने रोबो में क्या फिट किया? मैंने मंकी कॉन्ग जूनियर फिट कर दिया। तबला बजाना बंद करो, अपना दिमाग लो। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रोबोट, बहुत अच्छे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे रोबोट। डैनी, ज़ेब्रा प्लान करो जल्दी। हम जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। डेटा लॉग एंट्री। आज मैंने दोस्ती के बारे में बहुत कुछ जाना। मदद करना, मिल बांट कर खाना और दर्द भरा ब्रेक डांस। दोस्ती अच्छी चीज है पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नतीजा, हर इंसान को दोस्त की जरूरत होती है। कैसे दोस्त हो? तुम्हारी वजह से हमें भी सजा हो गई। हाँ हाँ सर, दोस्ती उस बला का नाम है जिसे समझना मुश्किल है। जब लॉरी नाइक और ब्रेंडा को गले मिलते हुए देखता है। हाँ, ये शो बहुत मजेदार है। गुड इवनिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद होस्ट डेल लॉकमैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं ग्रूव सर्कल में। आज रात हम पेश करेंगे नया ग्रूव द लैवेंडर फज एक्सपीरियंस, जो लाए हैं उनका सुपरहिट गाना द न्यूडिस्ट एंड मिस्टर पेंडल्टन। तुम सब नाचने के लिए तैयार हो जाओ हमारे लैवेंडर फज एक्सपीरियंस के साथ।